माई यूट्यूब चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। इसमें पूछा गया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या मतलब होता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो फूड को प्रोड्यूस करते हों, और इस पूरे अर्थ पे प्लांट के अलावा कोई और भी स्पीसीज नहीं होती हैं जो फूड को प्रोड्यूस करती है। तो हमें एक एग्जांपल पता चल गया प्रोड्यूसर का, क्या है? प्लांट। प्लांट कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, मींस ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प पे। वो फूड प्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फूड, फूड के पर्पस के लिए। या तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे या तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, बट डिपेंडेंट किस पे होंगे? प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। तो कंज्यूमर क्या हो गया? जो फूड को कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोड्यूसर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कौन करता? कंज्यूमर कंज्यूम करते। तो कंज्यूमर्स में क्या आ गया? एनिमल्स। क्या आ गए? एनिमल्स। तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? प्लांट प्रोड्यूसर हो गया। कंज्यूमर कौन हो गया? एनिमल्स आर द कंज्यूमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन डीकम्पोजर्स, नेम वन डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या होता है और डीकम्पोजर का एक एग्जाम्पल बताना। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट होते हैं इस एनवायरनमेंट में जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसे लेस पोल्यूटेंट बना देते हैं ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना कर पाए। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजिली डीकम्पोज हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। और डीकम्पोजर की तरह एक्ट कौन करता है? डीकम्पोजर की तरह एक्ट करता है बैक्टीरिया। इसमें एक ही एग्जाम्पल पूछा गया है, बैक्टीरिया और फंगी दो होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल का क्या मतलब होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंस, आसपास अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ईजली, जैसे हमने क्या किया, हमारे घर से जो है मतलब वेजिटेबल्स के पिल्स निकले या फ्रूट्स के कुछ भी छिलके निकले उसको हमने फेंक दिया और वो एक दो दिन में क्या होगा, धीरे धीरे वो डीकम्पोज हो जाएगा या दो दिन के अंदर ही वो डीकम्पोज हो जाएगा। वो क्या हो गया, वो सब्सटेंस इजली डीकम्पोज हो गया, बट हम पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं, उसको साल दो साल लग जाते हैं तब भी वो इजली डीकम्पोज नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजली डिकम्पोज हो जाए उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी पॉल्यूशन भी नहीं कॉज करेंगे, मींस किसी भी टाइप का पॉल्यूशन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से नहीं होगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस साल दो साल दस साल भी वैसे पड़े रहेंगे बट उन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मीन्स उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसा वहीं पे पड़ा रहेगा। उसको मतलब जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं इस एनवायरनमेंट में उसको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको डिकम्पोजर इजली ब्रेक डाउन कर दें और वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी ना पहुंचाएं उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी पहुंचाता है उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फूड चेन, गिव वन एग्जांपल। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन मींस चेन के फॉर्म में फूड का ट्रांसफर होना। फूड कैसे ट्रांसफर होता है, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे प्लांट क्या है, अभी मैंने बात किया कि इस पूरे एनवायरनमेंट में प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूसर की तरह ऐड करते हैं। प्लांट के अलावा और कोई भी प्रोड्यूसर इस एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट होते, तो प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। इसके ऊपर सपोज करते कौन फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर। कौन इसको खा रहा है, ग्रास ऊपर।
और इस ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब इस फ्रॉग को ऊपर कौन फीड करेगा? स्नेक। हमें एक सिंपल फूड चेन बताना था। तो ये क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। मीन्स एक जैसे प्लांट हो गया, प्लांट के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? ग्रास ऊपर। और इस ग्रास ऊपर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर कौन है? स्नेक। तो ये क्या हो रहा है? फूड चेन। मीन्स एक चेन के फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक क्या हो रहा है? फूड का ट्रांसमिशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। एग्जाम्पल भी हो गया, प्लांट के ऊपर कौन फीड कर रहा है? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर के ऊपर फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर इसने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड वेव क्या होता है? अब जैसे ये प्लांट है, अभी यहाँ पे प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज डिपेंडेंट था, दैट इज ग्रास ऊपर। बट फूड वेव में क्या होता है कि ब्रांच के फॉर्म में मीन्स इस पे इस प्लांट को खाने वाले अब जैसे 10 से 15 स्पीसीज आ गई, तो क्या हो गया? एक ब्रांच बन गई पूरी। क्या हो गई? एक पूरी ब्रांच बन गई। मल्टीपल स्पीसीज आ गए हैं एक ही स्पीसीज के ऊपर फीड करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं फूड वेव। और जब एक चेन के फॉर्म में मीन्स एक सिंगल लाइन के फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में एनर्जी या बोले हम फूड का ट्रांसमिशन हो रहा, उसे फूड चेन बोलते। बट जब एक वेव के फॉर्म में मीन्स एक ब्रांचेस के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बन चुकी है वो बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं? फूड वेव बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई इट इज बेटर टू यूज पेपर बैग देन प्लास्टिक बैग। पेपर बैग के कंपेरिजन में प्लास्टिक, मतलब पेपर बैग क्यों बेस्ट होता है प्लास्टिक बैग से? पहली बात तो पेपर बैग कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक बैग कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। पेपर बैग जब बायोडिग्रेडेबल है मींस इसको डिकम्पोजर इजली डिकम्पोज कर देंगे, बट प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये साल भर भी पड़ा रहेगा बट इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का बैग हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, बट पेपर बैग इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा सब्सटेंस है? वो किस बेस्ट मटेरियल में आ रहा? बायोडिग्रेडेबल में आ रहा है। और प्लास्टिक बैग किस में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इस एनवायरनमेंट में जितनी भी स्पीसीज सरवाइव करती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सारी स्पीसीज एक के ऊपर मीन्स सारी स्पीसीज जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल्स नहीं सरवाइव कर सकते, अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे तो प्लांट नहीं सरवाइव कर सकते। तो यही जो इंट्रैक्शन है, यही जो इंटरकनेक्शन है एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। मींस बायोटिक का और एबायोटिक, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सबका आपस में क्या होता है? कनेक्शन होता है। और इसी कनेक्शन को, इसी इंटरकनेक्शन को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। सेल्फ डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग में, एक्सप्लेन करना है। एक्स एक्स उसमें प्रेजेंट होता है फीमेल में, और एक्स वाई किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में। पहले हम इसे लिखेंगे, अब सेल्फ डिटर्मिनेशन बताना है तो हम पुनेट स्क्वायर बना के इसके क्रॉसिंग करके देखेंगे। एक्स एक्स देन नेक्स्ट इज एक्स वाई, ए कैरेक्टर की ए कैरेक्टर की, तो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। तो ये क्या हो गया? दिस इज फीमेल। ये भी क्या हो गया? फीमेल। ये भी क्या है? मेल। बट ये क्या है? ये भी मेल। तो 50% देखो, 50% चांसेस किसके होते हैं? गर्ल्स के। और 50% चांसेस किसके हैं? बॉयज़ के। 50% चांसेस किसके होते हैं? गर्ल्स के। 50% चांसेस होते हैं बॉयज़ के। बट सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है? मींस बॉय होगा कि गर्ल, लड़का कि लड़की। इसके सेक्स डिटरमिनेशन में कौन हेल्प करता? फादर हेल्प करते, मींस मेल हेल्प करते, क्योंकि फीमेल के पास सेम नंबर ऑफ पेयर प्रेजेंट है, दोनों एक्स एक्स है, बट फीमेल के मेल के पास एक एक्स प्रेजेंट है और एक वाई प्रेजेंट होता है, एक एक्स और एक वाई। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? ऑलवेज मेल हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? कुछ सबने देखा होगा कि हम कुछ कैरेक्टर रिसीव करते अपने फादर से, कुछ कैरेक्टर रिसीव करते अपने मदर से। तो यही जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज हेरिडिटी। मींस कैरेक्टर बोले या हम बोले ट्रेड, कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उस फिनोमिना को बोला जाता है हेरिडिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट लाइक यू, मीन्स अपनी ही जैसी नए न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स को होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। क्या क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जब दो पेरेंट से और दो अपोजिट गैमेट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने इस पूरे लेक्चर में क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।